हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको ये देखिए चूड़ी से न्यू मोरी डिजाइन बनाना बताऊंगी। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए हमने यहाँ पर मोरी को ऐसे पेस्ट कर लिया है और अब हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पर देखिए लहर भी बना ली है। अब हम यहाँ पर इसके बीच के मार्जिन में डिजाइन बनाना होगा। ये हमारा मार्जिन 1.5 इंच है तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का हाफ लेना होगा, 1.25 इंच। और फ्रेंड्स ये देखिए 1.25 इंच पर हम यहाँ पर ऐसे करते ही मार्किंग करते चले जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर ऐसे ही अपनी पूरी मोरी में 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, आपको दिखाई दे रहा होगा इसके सेंटर में। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये देखिए मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। ये देखिए हमारा 2.5 इंच यहाँ पर आ गया है। हम यहाँ पर एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे हम यहाँ पर 2.5 इंच पर लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर ली है 2.5 इंच पर। अब हम चूड़ी लेंगे और देखिए चूड़ी को हम यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे और ये देखिए ऐसे करके हाफ सर्कल बना लेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए हमें यहाँ पर ऐसे ही पूरी मोरी में हाफ सर्कल बना लेना है चूड़ी की हेल्प से। और ये देखिए हमने यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसे हाफ सर्कल बना लिया है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हाफ सर्कल बना लेंगे। ये देखिए हम यहाँ पर ऐसे करके हाफ सर्कल बना लेना है। और फ्रेंड्स ये देखिए हम यहाँ पर हाफ सर्कल बनाने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे अपने। पहले हम इस साइड ऐसे हाफ सर्कल पर सिलाई लगाएंगे और फिर हम ऊपर की तरफ ऐसे हाफ सर्कल पर सिलाई लगाएंगे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं।
गाइस ये देखिए हमारा यहाँ पर मोरी का डिज़ाइन बन करके रेडी हो चुका है और स्वेटर कुछ इस टाइप से आया है। आपको दिखाई दे रहा होगा हमने कितने इजीली मोरी का डिज़ाइन बना लिया है। मैं आपको यहाँ पर दूसरा पाइचा भी दिखा देती हूँ। इसको हमने ऑलरेडी बनाकर पूरा रेडी कर लिया है और फ्रेंड्स ये देखिए कितना प्यारा सा गेटअप आया है। और गाइज ये देखिए गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।